नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत केबी लाल रोड में बीते दिनों 14 सितंबर की रात सिल्क कारोबारी मोमिन टोला निवासी अफसाल अंसारी की सरेरा हत्या कर दी गई थी। इस कांड में संलिप्त मुख्य आरोपी इरशाद हुसैन को भागलपुर पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर बीते शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के वर्धमान थाना क्षेत्र अंतर्गत दुबराज दिग्घी से गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर रविवार को भागलपुर लाया गया। वहीं सोमवार को नाथनगर रेफर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि इस हत्याकांड में पूर्व में दो आरोपियों को पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके अलावा मुख्य आरोपी की खोजबीन जारी थी, जबकि पूर्व में उसके घर की कुर्की जब्ती भी पुलिस कर चुकी थी। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय कई वर्षों से प्रदर्शन और किसी न किसी विवाद की आग में चल रहा है और यह सिलसिला आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन विश्वविद्यालय में छात्र या कर्मचारियों के अलावा किसी छात्र संगठन का प्रदर्शन चलता रहता है, जो शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधि पर बुरा प्रभाव डालता है। वहीं मंगलवार को एक बार फिर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में यही आलम दिखाई दिया, जहाँ आयशा के छात्र संगठनों के द्वारा लगातार दूसरे दिन भी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने आगजनी कर घंटों कार्य बाधित कर दिया, साथ ही प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं इससे लोगों को कार्यालय में आने जाने के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि आगजनी के बाद पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी और विश्वविद्यालय की पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। वहीं इस दौरान आयशा के छात्र नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्ट वन के प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म भराकर थर्ड पार्ट का एग्जाम देने दिया जाए, क्योंकि अभी पार्ट टू का एग्जाम जारी है, जबकि इसके बाद थर्ड पार्ट की भी परीक्षा है। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के प्रवत्ति मोहल्ले में ठगी का शिकार हुए युवकों द्वारा ठग को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। इस घटना को लेकर ठगी का शिकार हुए युवकों ने बताया कि बेगूसराय निवासी इंदर कुमार ने दो दर्जन से अधिक छात्रों को मेडिकल में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 से 25 हजार रुपये लिए थे। साथ ही युवकों को ट्रेनिंग के नाम पर पटना एवं मोतिहारी ले गया, जहाँ 15 दिनों तक एक रूम में रखकर उसे ट्रेनिंग के लिए एक कॉलेज के रूम में ले जाता था। वहीं जब युवकों द्वारा नौकरी दिलाने की बात कही जाने लगी, तब ठग द्वारा और भी युवकों को इसमें जोड़ने की बात कही जाने लगी, जिसके बाद सभी युवक वहां से अपने अपने घर वापस आ गए। वहीं फिर से इस मोहल्ले में ठग द्वारा अन्य युवकों को नौकरी का झांसा दिया जाने लगा, जिसको लेकर ठगी के शिकार हुए युवकों का गुस्सा फूट पड़ा और उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 22 दिन ट्रेनिंग खत्म होगा, उसके बाद तुम लोग का पैसा चालू हो जाएगा। लेकिन 22 दिन ट्रेनिंग का ऐसा कोई बात ही नहीं। हम लोग को सुबह 5 बजे उठाया जाता था, 5 बजे से लेके हम लोग को 10 बजे तक एक जगह है, वहाँ कॉलेज है, वहाँ ले जाया जाता था। वहाँ नीचे में बैठा के वहाँ क्लास होता था। हम लोग को बताया गया कि वहाँ जो है हम लोग का बताया जाएगा कि कैसे कैसे तुम लोग को ट्रेनिंग लेना है, कैसे बताना है कि ये काम करना है, लेकिन ऐसा कोई बात वहाँ थे भी नहीं किया। हम लोग को झूठ बोल के वहाँ पटना मोतिहारी बुलाया गया, सबसे 22 हजार रुपया लिया गया है, बोला गया है तो मेडिकल का पढ़ाई होगा, इसमें 22 हजार रुपया लगेगा, फिर 60 साल के लिए सबका नौकरी फिक्स हो जाएगा, 30 हजार रुपया वेतन मिलेगा महीना, कुछ भी होगा वो सबका झूठा बहकाया के बुलाया गया। हम लोग को, हम सबसे 22 हजार रुपया लिया है पैसा। कितना हम सब का लिया, टोटल वहाँ तो बहुत आदमी है, हम लोग का यहाँ पे पर्वती का घर हुआ तो यहीं से हम लोग का लिया गया है। सुल्तानगंज के कुम्हार गली स्थित लाल पीर बाबा दरगाह में दो चोर ने दान पेटी से मंगलवार को रुपये की चोरी कर ली, लेकिन रुपये लेकर जाने के दौरान ग्रामीणों की नजर चोरों पर पड़ गई और लोगों ने रंगे हाथ चोर को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने जमकर चोर की पिटाई कर दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चोर को अपने कब्जे में लेकर पुलिस थाने ले आई। बताया जा रहा है कि चोर घाट रोड के तांती टोला का रहने वाला है, जिसकी पहचान गुलशन कुमार के रूप में हुई है। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी लोकसभा सीट पर भाजपा का सफाया हो जाएगा और केंद्र की गद्दी से ही भाजपा को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी, यह कहना है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पद यात्रा पर निकले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नवगछिया के खगड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में समाज के सभी वर्ग के लोगों का उन्हें भरपूर
सहयोग मिल रहा है, जिससे युवाओं, महिलाओं और मजदूरों वर्ग के लोग का झुकाव कांग्रेस की ओर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी निश्चित है, जिसके बाद देश में नफरत और घृणा की राजनीति के अंत के साथ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर भी लगाम लगेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और बिहार में यात्रा का पांचवा दिन है, जबकि भाजपा की धरती कही जाने वाली भागलपुर में भी उन लोगों को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के आग्रह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी। मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता समेत उनके समर्थक मौजूद रहे। यात्रा का लक्ष्य है कि इस देश में 2014 के बाद जिस तरह से घृणा और नफरत की राजनीति शुरू हुई है, आपसी सद्भाव में कमी आई है, उसको पुनः बहाल करने का और घृणा और नफरत की राजनीति को ख़त्म करने का लक्ष्य को लेके ये यात्रा शुरू हुई। महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, वो भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि उसको लेके लोग आके मिलते हैं, हर जगह कहते हैं कि पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार हो गया, नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई दवाई सब कुछ महंगा हो गया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आधुनिक भागदौड़ भरी जिंदगी में धन संपत्ति के लोभ में रिश्ते में दरार की खबर अक्सर सामने आती है। आलम यह है कि जिस माता पिता ने अपनी खुशियों का त्याग कर जीवन भर लाड़ प्यार देकर बच्चों की परवरिश की और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया, वहीं संतान बड़े होने के बाद अपने माता पिता को उचित सम्मान नहीं देते हैं। दरअसल ऐसा ही कुछ मामला बिहार सरकार के भागलपुर सहारा वृद्धाश्रम में दिखाई दिया, जहाँ विभाग के स्तर से कई सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले वृद्धजन अपनों के प्यार के लिए तरसते हैं। वहीं यहाँ मौजूद कई वृद्धजनों का कहना है कि हमेशा किसी न किसी बात को लेकर ताना और जरूरत के सामानों के लिए लड़ाई झगड़ा से तंग आकर परेशान हो गए और अंत में उन्हें जीवन भर की मेहनत और प्यार के बदले संतान से मिला तो यह वृद्धाश्रम। साथ ही कहा कि जमीन जायदाद मकान देने के बाद भी घर में नाती पोते को उनके अनुभवों के हंसाने से भी उन लोगों को घर से दूर रखा जा रहा है। हालांकि यहाँ सरकार के स्तर से वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है, जिसका संचालन पटना के उमंग बाल विकास सोसाइटी के कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस सहारा वृद्धाश्रम में कुल 30 बुजुर्ग जीवन यापन कर रहे हैं, जो बंगाल समेत कई अन्य जगहों से भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार का याद
याद सब हो जाता है, सब व्यवस्था जाते हैं तो चले आते हैं, एक घंटा में चले आते हैं, सबसे मिल करके आते हैं, फिर भी यहाँ पे हाँ यहीं पर रह जाते हैं। परिवार में कोई दिक्कत होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहता है, यहाँ रहते हैं इसलिए कि जब नजदीक है इसीलिए रहते हैं। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में शाकचक थाना के समीप दर्जनों असहाय व जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। ठंड के मौसम को देखते हुए सोसाइटी द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों के बीच ठंड से राहत पहुंचाने के लिए उनकी टीम द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं इसको लेकर सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि सोसाइटी द्वारा हमेशा लोगों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा करना धर्म है और सोसाइटी की ओर से 30 वृद्ध एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल दिया गया। मौके पर महिला प्रकोष्ठ के सचिव आभा पाठक, रूपा साहा, सोमेश राज सिंह, रजनीश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज का कार्यक्रम, जैसा कि महिला सदस्य ने बताया कि कंबल वितरण का कार्यक्रम है और कंबल वितरण का जो आर्थिक पहलू है वो बहुत लोग डोनेट करते हैं, कोई 1, 2, 5 करके संस्था में पहुंचा जाते हैं, कुछ हम लोग अपना भी लगाते हैं संस्था के लोग। तो इस तरह से हम लोग अभी तक 300 कंबल बांट चुके होंगे और ये कारवां डिफरेंट मोहल्ले में, गरीब बस्ती में हम लोग करते हैं। सभी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जब ज़रूरत बहुत लोगों को हो लेकिन उतना नहीं दे पाते हैं, उसी पर जो गरीब हैं, वृद्ध हैं, उसको तक हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पहुंचाएं। आज हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी से मेंबर है और मैं कंबल बांटने आई हूँ सबको मिल के सहयोग से। मेरा आभा पाठक और हम लोग डॉक्टर अजय सर का ये अध्यक्ष का ये सोसाइटी है और सारे लोग इसमें सहयोग देते हैं, बहुत शहर के बड़े बड़े आदमी उनको देते हैं, हम लोग सब मिलके बांटते हैं और बहुत अच्छा लगता है कंबल बांटना गरीबों का देने। भागलपुर सुल्तानगंज देवघर मार्ग के सीतारामपुर गांव के वार्ड संख्या 18 स्थित AK गोपालन कॉलेज के समीप दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जादूगर के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए अभियान का शुभारंभ बैंक के वरीय शाखा प्रबंधक राकेश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में बैंक के अधिकारी शुभम भारती और शशि शेखर सुमन ने सभी ग्रामीणों और ग्राहकों को जरूरी जानकारी देते हुए जागरूक किया, जिससे बैंक में ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रह सके। इधर गोरखपुर के जादूगर कलाकार MK पंडित और उनकी टीम के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर बैंक के कई अधिकारी, कर्मी, ग्रामीण एवं ग्राहक मौजूद थे। आज का जो मेन प्रोग्राम था ये था कि यहाँ के जो लोगों को बैंक के प्रोडक्ट के अलावा जो आजकल फ्रॉड की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लगातार क्या कहूँ, मतलब कंटिन्यूसली हो रहा है जी, उसमें लोगों को जागरूक करना था और जिसमें हम काफ़ी सफल भी हुए हैं। हमारे जादूगर साहब जादू के माध्यम से लोगों का बहुत ट्रीटमेंट किया, साथ में ये भी समझाने में सफल हो पाए कि आज मतलब OTP के माध्यम से जो लोगों में फ्रॉड की घटनाएँ जो लगातार बढ़ रही थी उसको कम होने के लिए कैसे किसको OTP नहीं देना है बिना पूछे हुए, उसमें सफल हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।